जी को बिठा रहे भाई आइए विधायक जी। अरे विधायक जी को लाइए भाई सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने कि मेरे ऊपर विश्वास करके एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया है। और बनारस में मेयर का जो भी विकास का है वो केवल विकास 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 और केवल विकास है। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चुनौती भी रहेगी और आपकी G20 भी होने वाला है, चल रहा है। मैंने वो तो सबसे पहले G20 जो चल रहा है उसकी सफलता के लिए भी हम लोग काम करेंगे। कई वार्ड इस बार बड़े हैं, परिसीमन बड़ा है नगर निकाय का, कई वार्ड बड़े हैं, कितनी चुनौती रहेगी? नहीं नहीं, चुनौती जो गाँव नगर निगम एरिया में आए हैं सबसे पहले उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना है, 2 साल के अंदर वो शहर और देहात में जो हमारे वार्ड बढ़े हैं कोई अंतर नहीं रहेगा, शहर के बराबर वहाँ भी सुविधाएं मिलेंगी। कितनी चुनौती देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जब भी कोई काम करता है कोई चुनौती उसके सामने नहीं रहती है, क्योंकि संगठन 365 दिन काम करता है और लोग मौसम के अनुसार जब चुनाव आता है तो चुनाव लड़ने आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन काम करते हैं। नगर निगम में सदन नहीं चल पाया, इसको लेकर के लगातार लोग सवाल उठाते रहे हैं, अब इसके बारे में बहुत मुझे जानकारी नहीं है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।